हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के हम इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, मैंने आप लोगों को चैप्टर में भी अच्छे से समझाया है। तो केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज विद द एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो परमानेंट होता है और जिसमें रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जिसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होते हैं। केवल इतना ही नहीं होता है, केमिकल चेंज में हीट एनर्जी का या तो एवोल्यूशन होता है या तो एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हीट एनर्जी का एवोल्यूशन होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एवोल्यूशन होता है हीट एनर्जी का तो टेम्परेचर बढ़ता है, और एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा। विनेगर जब बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जाहिर सी बात है ये केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है हम कैसे पता करते हैं, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में बबल्स आते हैं। बबल्स आते हैं इसका मतलब क्या है, कोई गैस बना है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखें। व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जिसका सिंबल क्या है, CO2। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फेवरेट कंडीशंस फॉर रस्टिंग। फेवरेट कंडीशंस जो है रस्टिंग के लिए, लोहे में जंग लगने के लिए, वो हमें बताना है। तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन आर द फेवरेट कंडीशंस फॉर रस्टिंग। हम लोगों ने पढ़ा भी है चैप्टर में कि इसीलिए मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है कोस्टल एरियाज में, इसीलिए कोस्टल एरियाज में रस्टिंग ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेजर्ट एरियाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज गैल्वनाइजेशन। इसके पहले हम लोगों ने रस्टिंग देखा, रस्टिंग से तो बहुत लॉस होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया गैल्वनाइजेशन। अब गैल्वनाइजेशन क्या है, गैल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन के ऊपर, आयरन के किसी भी आर्टिकल के ऊपर अगर हम एक जिंक का कोट चढ़ा देते हैं पतला सा, तो क्या होता है, ये है हमारा आयरन का कोई भी आर्टिकल, और इसके ऊपर अगर हमने जिंक का परत चढ़ा दिया तो क्या होता है, आयरन का कांटेक्ट जो है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से कट जाता है, जिस चलते क्या होता है, आयरन पे रस्टिंग नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ कैन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बी ऑब्टेन्ड। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें कैसे मिलते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए, टेक अ कप फुल ऑफ वॉटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक हमें बीकर में पानी लेना है एक कप, उसमें दो चार बूंद सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड मैंने चैप्टर में क्लियर किया है। हीट द वॉटर, फिर पानी को गर्म करना है। वेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टरिंग कंटिन्यूअसली। कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें स्लोली डालना है और उस मिक्सचर को हमें मिलाते रहना है। नाउ अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल डाउन स्लोली। अब धीरे धीरे हमें सॉल्यूशन को ठंडा करना है। हम क्या देखते हैं, वी नोटिस दैट द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो हम क्या देखते हैं, बीकर के बॉटम पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। आगे है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। हमारा लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो आइए हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वेयर एज अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज। फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया चीज नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस हमेशा बनता ही बनता है। उसके बाद है फिजिकल चेंजेस
चेंज इज इजिली रिवर्सिबल वेयर एज केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, यानी कि जिस रिएक्टेंट से हमने रिएक्शन शुरू किया है प्रोडक्ट से वापस से वो रिएक्टेंट बना सकते हैं. जबकि केमिकल चेंज में एक बार रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन गया तो वापस से उस प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंज हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. कौन कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस आर, पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस निकलता है बबल्स के फॉर्म में, जो अभी हम लोगों ने वेनिगर और बेकिंग सोडा के केस में देखा. दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट जो भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के बाद अगर बीकर के टेस्ट ट्यूब के वेसल में कोई ऐसा चीज सेडिमेंट के फॉर्म में जम जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अगला है हमारा चेंज इन कलर. फिर है चेंज इन टेम्परेचर, जो मैंने पहले आप लोगों को ही बताया है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के केस में. चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस इन स्टेट्स में आपस में चेंज हो जाता है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस बिल्कुल बताता है कि केमिकल चेंज हुआ है. अगला क्वेश्चन है, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. इन कंपाउंड्स के हमें केमिकल फॉर्मूला बताने हैं. वेनिगर, वेनिगर का मतलब होता है, केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH. ये जो थ्री लिखते हैं ना, हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं CH3COOH, ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते हैं. ये थ्री जो है ये सबस्क्रिप्ट में H के नीचे छोटा सा लिखा जाता है, यही तरीका है. और इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एसिड. वाटर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O. टेबल सॉल्ट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl. कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या है? CO2. CO2 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल याद रखिएगा, 2 हमेशा सब स्क्रिप्ट में ही जाएगा. अगला क्वेश्चन है, राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट ऑक्सीजन एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग. इसमें हमें क्या करना होता है, इसका नाम है जो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये हम लोग करते कैसे हैं? 3 टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इसे कहा जाता है. एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक टेस्ट ट्यूब बी है, और एक टेस्ट ट्यूब हमारा सी है. 3 टेस्ट ट्यूब लेने हैं. करना क्या है, टेक सम आयरन नेल्स इन द 3 टेस्ट ट्यूब एंड एड सम वाटर इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड पैक इट विथ कॉर्क. इसमें हमें सब में हमें कुछ आयरन नेल्स डाल देने हैं, ठीक है? ये आयरन नेल्स है, और इसमें हमें पानी भर देना है पूरा, और इसको बिल्कुल टाइट कॉर्क से बंद कर देना है. दूसरे में क्या करना है, इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब एड सम वाटर. बस सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, बंद नहीं करना है, बस वाटर ऐड कर देना है. और थर्ड टेस्ट ट्यूब को क्या रखना है, ड्राई रखना है. थर्ड टेस्ट ट्यूब में वाटर कुछ ऐड नहीं करना है. कीप देम एट अ सेफ प्लेस फॉर फ्यू डेज. कुछ दिनों के लिए इसको सेफ प्लेस पे रख देंगे. आफ्टर फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब गेट रस्टेड एंड इन द अदर 2 टेस्ट ट्यूब्स इट रिमेन्स एज इट इज. दिस प्रूव्स दैट रस्टिंग रिक्वायर्स एयर एंड मॉइस्चर. इसमें हम क्या देख रहे हैं, केवल इसमें वाटर है, एयर का कांटेक्ट तो हमने ये कॉर्क लगा के खत्म कर दिया, तो इसमें रस्टिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें केवल वाटर है, मॉइस्चर है. इसमें क्या है, हमने पानी नहीं दिया है, और हमने केवल यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई दिया क्योंकि हमने इसके माउथ को कॉर्क से बंद नहीं किया है, तो केवल यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है. यहाँ पे क्या है, ऊपर के सर्फेस से, क्योंकि ये ओपन टेस्ट ट्यूब है, ऊपर से ऑक्सीजन भी आ रहा है जो कंटिन्यूअसली वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, और वाटर भी है, यानी यहाँ पे मॉइस्चर भी है और यहाँ पे हमारा मॉइस्चर भी है और ऑक्सीजन भी है. इसीलिए बी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, रस्टिंग होगी, बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग नहीं देखी जाती है. और ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों होगा तभी आयरन में रस्टिंग होगी. हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाई विच अ सॉलिड फॉर्म्स द एटम और मॉलिक्यूल आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टल्स.
क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड्स बनते हैं। सॉलिड्स बनते हैं किस फॉर्म में बनते हैं, बिल्कुल एक डेफिनेट शेप में बनते हैं, बिल्कुल एक डेफिनेट शेप में बनते हैं। और इस डेफिनेट शेप को क्या कहा जाता है उस सॉलिड का, क्रिस्टल कहा जाता है। सम ऑफ द वेज बाय विच क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड आर प्रेसिपिटेशन, फ्रीजिंग एक्सेट्रा। कुछ तरीके जिससे क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्या है, प्रेसिपिटेशन और फ्रीजिंग। हम लोगों ने कॉपर सल्फेट जो बनाया था अभी, कॉपर सल्फेट को पानी में घुला के और कॉपर सल्फेट को पानी में डिजोल्व करके फिर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स निकाले थे। तो किस प्रोसेस से निकाला था हम लोगों ने वो क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से निकाला था। जब लिक्विड को धीरे धीरे कूल करते हैं तो कॉपर सल्फेट का क्या मिला था, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स मिला था। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग अगले क्लास में नया चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।